सनातन वैदिक धर्म की रोटी रोटी खा के बैठे हैं ना सब, थोड़ी आवाज आनी चाहिए। बोली भारत माता की, सीधी का माइक थोड़ा बढ़ लगा। हेलो ये प्लेन हो रहा है। आइए सब मिलकर के एक बार पवित्र गायत्री मंत्र मिलकर के बोलें, सीधे होकर के बैठें।
पहचाने ना पाया अचेतन एक खिलाड़ी बिना घड़ी साज के
जगत
वीर प्रवीर में दुखिया मजूरे तेरे धन में, वीर प्रवीर में दुखिया मजूरे तेरे धन में। Oh।
कोई अभद्र पदार्थों का सेवन करता है। विद्यार्थी जो जीवन है ना वो सीखने का है। कुछ शिष्य अपने गुरु के पास एकत्रित होकर के पहुंचते हैं और कुछ प्रश्न करते हैं। कहते हैं आचार्य जी, हम आपसे वेद विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, आध्यात्मिक विद्या सीख रहे हैं, आध्यात्मिकता ये है क्या, हमारे समझ नहीं आती। केवल हमें परिभाषा बताओ कि आध्यात्म क्या होता है। आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप जब आए तो यहाँ हवन चला था, देव यज्ञ प्रार्थना हुई और ये आध्यात्मिक सत्संग प्रातःकाल जो है यहाँ प्रारंभ हुआ है। तो आचार्य कहते हैं कि जिस मार्ग पर व्यक्ति चलकर के अपनी आत्मा की भी पहचान कर लेता है और ईश्वर को जान लेता है, आत्मा और परमात्मा को जान लेता है, वो मार्ग क्या है? आध्यात्मिक मार्ग है। कौन सा मार्ग है बच्चों? जिस मार्ग पर व्यक्ति अपनी आत्मा की और इस आत्मा के अंदर निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा वैसे तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक होने के कारण, किंतु निश्चित रूप से वो कहाँ निवास करता है? हमारी कहाँ निवास करता है? हमारी आत्मा के अंदर निवास करता है। अच्छा बताओ, हम अपने अंदर ना ढूंढ के ईश्वर को यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? ढूंढते हैं ना। आज ईश्वर को लेकर के जितनी लड़ाई है, जितना झगड़ा है और किसी वस्तु को लेकर के है, जितने लोग उतने ही बोलो भगवान जितने जन्म लेते हैं कि नहीं लेते। कोई ईश्वर को ढूंढने के लिए कहाँ जाता है? मथुरा जाता है, तो कोई हरिद्वार जाता है। जो हरिद्वार में रहते हैं वो मथुरा आते हैं, मथुरा वाले काशी जाते हैं, और जो काशी में रहते हैं वो कहाँ आते हैं? वो मथुरा में आते हैं। यानी ईश्वर को ढूंढने के लिए लोग भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक सेठ जी असरफियां लेकर के ट्रेन में चढ़े, उनके बैग में दो कीमती असरफियां थी। ध्यान से सुनना, एक चोर भी उनके साथ चढ़ा और वो ये सोच रहा है कि मैं जो है सेठ जी को कैसे चकमा दूं और कैसे इनके थैले से वो असरफियां निकालू। सेठ जी समझ गए कि ये जो है कोई धर्मात्मा व्यक्ति नहीं है। ध्यान से सुना बच्चों, आपके काम आए। सेठ जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। शाम का समय था, वो चोर से कहते जो बैठा हुआ था कि भाई साहब कहाँ जाओगे? बोले आप कहाँ जाओगे? बोले मैं तो दिल्ली जाऊंगा। सेठ जी कह रहे मैं दिल्ली जाऊंगा। चोर कह रहे मैं भी दिल्ली ही जाऊंगा। अच्छा भाई, अच्छी बात है, चलो साथ में सफर कट जाएगा। सेठ जी कहते मेरे पास भोजन है, भोजन मैं करूंगा, आप भी कर लो, लगता है आपके पास भोजन नहीं है। हाँ सेठ जी कर लेंगे, कोई बात, हाथ मुंह धुलाओ आप, तब तक मैं इस सामान की देख रेख करता हूँ। सेठ जी ने उस चोर को हाथ मुंह धुलने के लिए भेज दिया और सेठ जी को जो काम करना था अपना उन्होंने कर लिया। इससे जो है बाद में हाथ मुंह धुलने के लिए गया, दोनों ने जो है बैठ करके भोजन किया और सेठ जी निश्चिंत होकर के जो है अपनी सीट पर सो गए आराम से। अब चोर को नींद आएगी ना? चोर सोया नहीं, चोर ये देख रहा है कि कब इस सेठ को गहरी निद्रा आए, कब ये गहरी निद्रा में सोए और कब मैं इन सोने की
की अशक्तियों को निकालूं। देखा धीरे धीरे सेठ जी ढेर के द्राम में पहुंच गए। सेठ ने जो है और इस चोर ने जो है सेठ जी के थैले को इधर उधर करना शुरू किया। तलाशी जब ली इसने तो वो अशक्तियां इस चोर को मिली नहीं। ये बड़ा चिंतित हुआ, थोड़ी देर बैठा रहा, फिर दोबारा थैले की तलाशी ली गई। इधर उधर कोने में दबा हुआ कहीं जो है वो पड़ी हुई हो। कहते हैं सेठ जी के पूरे कपड़े पहने हुए सेठ जी ने उन कपड़ों की भी तलाशी लेकर के देख लिया, असरियां नहीं मिली। ये बड़ा चिंता में था और थक करके हार करके ये सो गया। जब ये हार थक करके सो गया तो सेठ जी उठ गए ब्रह्मूर्त में। देखा गहरी निद्रा में सोया हुआ है। सेठ जी ने जो अपना काम करना था वो कर लिया। प्रातःकाल हुआ, ट्रेन रुकी स्टेशन पर और जब ये सेठ जी अपना थैला लेकर के उतरने के लिए लगे बालको तो इस चोर ने सेठ जी का कुर्ता पकड़ लिया और कुर्ता पकड़ के कहता है सेठ जी कहाँ जा रहे हो, सेठ जी कहाँ जा रहे हो। बोले मुझे उतरना है दिल्ली तक ही आना था। बोले तो मुझे भी पता है, पर सेठ जी आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूं। सेठ जी कहते तू चोर है, धर्मात्मा व्यक्ति तो है नहीं। सेठ जी जब आपने मुझे पहचान ही लिया है कि मैं चोर हूं तो मुझे इतना तो बता दो कि जो थैले में अशक्तियां आपकी थी, मैं पूरी रात आपके थैले की तलाशी लेता रहा, आपके कपड़ों की तलाशी लेता रहा, आपके कपड़ों में आपके थैलों में वो कीमती अशक्तियां मुझे नहीं मिली। केवल मुझे इतना बता दो, सेठ जी कसम खा के कहता हूं जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं माना हुआ चोर हूं, मैं चलते चलते लोगों के जेब खाली कर देता हूं, और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं आपकी अशक्तियों को निकाल नहीं पाया। केवल इतना बता दो कि जो अशक्तियां आपने छुपाई तो छुपाई कहां। तो सेठ जी कहते हैं पूरी रात मेरे थैले की तलाशी लेता रहा, यदि एक बार तूने अपने थैले की तलाशी ले ली होती। बच्चों जब हाथ मुंह धुलने के लिए सेठ जी ने चोर को भेजा था तो सेठ जी को पता चल गया था कि ये चोर है और ये इन असरपियों को चुराएगा, मानेगा नहीं। अब इन्हें बचाना है तो क्या करना है, सेठ जी ने वो असरपियां निकाल के चोर के थैले में डाल दी। सेठ जी जानते थे कि ये मेरे थैले की तलाशी लेगा ना कि अपने थैले। और जब चोर सो गया था गहरी निद्रा में तो सेठ जी ने वो अशक्तियां चोर के थैले से निकाल के अपने थैले में रख ली। कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को पूरी दुनिया के लोग यत्र तत्र सर्वत्र वो लोग ढूंढते हुए फिरते कि नहीं फिरते, किंतु अपनी आत्मा के अंदर वो लोग उसको नहीं ढूंढते। तो कहा कि ढूंढता किस वास्ते गाफिल ये घर घर ढूंढता, ढूंढता किस वास्ते गाफिल ये घर घर देखता, पहले जेरे बगम घर अपना दिलवर देखता साफ कर देता। अगर सीने के आईने के जंग चेहरा ए तस्वीर से शक्ले मुनव्वर देखता, सैकड़ों पर्दों से वो पर्दा नशी आता नजर, पर्दा आंख का अगर गाफिल उठाकर देखता। वो परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर है, किंतु जो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है, जो वासनाएं हैं, वो हमारी आत्मा के ऊपर ऐसे जम गई है जैसे हवन किया अग्नि के ऊपर राख का आवरण आ जाता है, ऐसे ही हमारी आत्मा के ऊपर मल क्षेप और आवरण रूपी ये तीन अज्ञानता की परतें छा जाती है, जिसके कारण कहते हैं मैं और मेरा यार एक ही नगरी में बसते हैं, मगर किस्मत की बदकिस्मती की मिलने को तरसते हैं। मैं और मेरा यार यानी मैं कौन, आत्मा और मेरा यार कौन, पिता परमात्मा। एक ही नगरी में रहते हैं, शरीरों की नगरी में रहते हैं, किंतु इस आत्मा की आंख से उस परमपिता परमात्मा को हम बोलो देख
नई बात तो बड़ा सुंदर भजन लिखा है, आओ सुनो। कि मन मीत बसा मन में, ओ मन के दर्पण को देखा नहीं, कभी निराकार माना कभी साकार माना, उलझी उलझने में मन मीत बसा मन मीत बसा मन में, ओ मन मीत बसा मन में, कभी निराकार जीने जने में मन मीत बसा मन में, मन मीत बसा मन में। बिटिया की शादी कभी बेटे का बोना, बिटिया की शादी कभी बेटे का बोना, नित देखते हैं ये सपना सलोना, नित देखते हैं ये सपना सलोना, सोना कभी चांदी मिले रानी कभी वाणी मिले, सोना कभी चांदी मिले रानी कभी वाणी मिले, लहनाओं में लड़ने दुकानें लगाई
देखो रामपाल जी में पढ़ा है और ये भी है, यहाँ का देखो क्या नाम उसका, राम रहीम। रामपाल कहता था आओ मेरे पास, बहने दूध की बाल्टी ले जाती थी, गुरु जी को दूध में बैठा करके नहलाती थी और उस दूध की खीर बनती थी। क्या बनती थी? गुरु जी उस दूध में नहाते थे, उसमें चावल डाल के खीर बनी और वो खीर प्रसाद के रूप में सब खाते थे। हम क्या कहते थे, ये प्रसाद खा लो तर जाओगे। अब भक्त तरे या ना तरे, गुरु जी तो तरेंगे, गुरु जी तो नहीं निकलने वाला, जल निकलेगा क्या? इसलिए कुछ पंक्तियां लिखी थी, सुना दो। अच्छा तुम इसे बैठे कोई राम रहीम की चली तो नाम धाम ले रखा हो, है कोई? कोई नहीं। आप में से कोई तो मेरे साथ मिलकर के सब गाना, गुरु जी आ रहे हमें बेकार, गुरु आ रहे हमें बेकार, पढ़े लिखे
जिनको अपनी मेहनत पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है, कहते बाबा कृपा कहाँ अटकी हुई है, तो बाबा कहते समोसे खाए, बोले हाँ समोसे खाए, कौन सी चटनी से खाए, बाबा लाल चटनी से खाए, बोले कृपा तो हरी चटनी पर अटकी हुई है, हरी चटनी से समोसा खाना कृपा हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। घर में समस्या हो तो निर्मल बाबा सबको समोसे जलेबी खाना बता रहे, कहे कृपा आती जो चटनी खाई जाती, कहे कृपा आती जो चटनी खाई जाती। भट्टे वाला बन गया है बहेलिया आ रहे हैं हमें बेकार, बनाते अंधकार को दूर करके विद्या का प्रसार करे, तुम उसको मानो और फिर बाद में मानो। गुरु जो है ना हमें अंधकार से प्रकाश में लाता है, वो हमें रास्ता बताता है ईश्वर प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। किंतु गुरु को ही भगवान मान करके बैठ जाए तो बोलो फिर सत्यानाश होगा कि नहीं होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन सब पादरियों की, ईसाइयों की, पुराणों की जो है बोलती बंद कर दी। गुरु को जो वचन दिया, किसी ने कहा हम तुम्हें अवतार घोषित कर देंगे, धन दे देंगे, राज दे देंगे, किंतु दयानंद तो मूर्ति पूजा का खंडन मत किया करो। दयानंद कहता है कि कोई क्यों ना मेरी उंगलियों की बत्ती बना बना कर जला दे, दयानंद सत्य ही कहेगा। क्या कहेगा दयानंद? सत्य ही कहेगा। मैं तुम्हारी इस राज की सीमा को एक प्रणाम भर के पार कर जाऊंगा, किंतु मैं ईश्वर की व्यवस्था को पार, मैं अपने गुरु को दिए हुए वचन से पृथक नहीं होना चाहता। इसलिए आओ अंत में कुछ पंक्तियां गा करके पीछे हटना चाहती हूँ कि हिंदू कहलाने वालों आज आपके सब ठाक जाते, रोड रवे गुजर ही राजपूत जाट जाते, सुनारों का सोना जाता मलाहों के घात जाते, लोहारों का लोहा जाता और खातियों के काट जाते, अरे पंडित जी का पतरा जाता और लाला जी के बांट जाते, ईसाई मुसलमान तुमको बुरी तरह चाट जाते, यदि जगन्नाथ उस दिन विष देने से नाट जाते तो आज अमेरिका में भारत के सम्राट जाते, लेके अपनी बरात आज ए जी हमारी कौन पूछता बात, यदि नहीं टंकारे आती हो फागुन की शिवरात। अरे लड़ने वाले हजारों को, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, सब मिलकर के अरे लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। कमाल कर गया, हर लड़ने वाले हजारों को
जो कमाल कर गया, वो भी शिखा अकेला जो कमाल
जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आगामी कार्यक्रम। आदरणीय प्रियंका जी से बहुत प्रेरणादायी भजनों के माध्यम से हमें उद्बोधन सुनने को मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।